मोर गैंग, यहाँ पे द फूक बूम का एपिसोड 77 का पार्ट 2 आ गया है और ये मैं अभी की अभी रिकॉर्ड करने बैठ गया। अभी देखो रात के 11 बज गए हैं और ये एपिसोड पूरा 10:30 बजे आया। मैं बोला भाई अभी ही देखेंगे, ऐसे काफ़ी लेट हो जाता है, अब फटाफट से हम लोग देखेंगे। और ये एपिसोड में देखो टाइटन कैमरा मैन फाइट कर रहा है, या तो टाइटन कैमरा मैन है या फिर कोई अपग्रेडेड कैमरा मैन है, सब पता चल जाएगा। हम लोग एपिसोड 66 से पूरा 77 देखते हैं। आई थिंक इसका एपिसोड 77 का पार्ट 3 भी आना चाहिए। चलो फिर देखते हैं, सब पता चल जाएगा। हो भाई ये फाइट बहुत अच्छी थी और एपिसोड 76 में तो कमला की भी एंट्री हुई थी, वो सबसे धमाकेदार एंट्री थी यार। यहाँ पर इतना भयंकर फाइट हो रहा है, हाउ डेयर यू रेजिस्ट, तुम रुके कैसे भाई, गालियां दे रहे हैं, रुकना नहीं, मारो, तबाही मचाओ। ओहो ओके, यहाँ पर हम लोग कैमरामैन के पीओवी से देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग स्किबिडी को मारने वाले हैं, लेकिन ओ माय गॉड ये दूसरा स्किबिडी आ गया। यहाँ पे हमारे कैमरामैन और स्किबिडी ने टीम अप तो किया, लेकिन कुछ कैमरामैन मतलब कुछ स्किबिडी के साथ किया और कुछ के साथ नहीं किया है, इस चीज़ पर अभी भी थोड़ा सा डिबेट है। लेकिन यहाँ पर वो ओ ये देखो बोला हेलो, ये हमारा साथी बन गया भाई, ये देखो ये हमारा साथी है, वो पहले वाले नहीं थे। तो ये बोले हैं ये क्या हुआ भाई, ये स्किबिडी हमारे साथ कैसे हो गया, क्योंकि कुछ स्किबिडीज को समझ में आ गया कि एस्ट्रो हमारा अभी असली एनिमी है, इस वजह से ये चीज़ कुछ स्किबिडी को समझ में आ गई और कुछ जैसे इसको नहीं समझ में आई है। ये आई थिंक एस्ट्रो की टीम वाले ही हैं जो है ना, ये हेलमेट पहन रखे हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ओ माय गॉड। वो गाइस तुम लोग थोड़ा सा क्लियर कर देना अगर तुम लोग को अच्छे से पता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में मेरे को थोड़ा बताना, क्योंकि मज़ा तो मेरे को खूब आ रहा है भाई। इसके बाद हम लोग वर्ल्डलेंस की भी देखेंगे, स्किबिडी सीरीज पूरी स्टार्टिंग से, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, तुम लोगों ने बहुत कमेंट में लिखा है, तो नेक्स्ट सीरीज वर्ल्डलेंस पे आएगी। अभी हम लोग खड़े हो रहे हैं, लेट्स गो। चलो भाई लार्ज कैमरामैन और हमारा पीओवी कैमरामैन दोनों यहाँ पर, ओ हो खतरनाक फाइट मैन मॉल वो रखे हैं। वो ये शील्ड कमाल है भाई, लेकिन ये स्किबिडी भी कम नहीं है, हवा में उड़ उड़ के मार रहा है। और यहाँ पर आ गया, ओ ये स्किबिडी ने पूरा शील्ड ही तोड़ दिया हमारा। वाह स्पाइडर कैमरामैन इज हियर, वो बाप रे बाप, ओ नहीं 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 नहीं, ओ कमाल हो गया, आग लग रखी है, लेकिन स्पाइडर कैमरामैन को भी कोई नहीं रोक सकता, लेट्स गो। हेलो भाई, और अंदर में यहाँ पे वाइट कैमरामैन बैठा है, लेट्स गो। यहाँ पे टीवी मैन स्किबिडियो को टेलीपोर्ट कर रहा है, टीवी मैन और टीवी वूमैन बहुत गुस्से में भी है और बहुत दुखी भी है स्किबिडी को भी लेके कि हम लोग इन पर हमला कर रहे हैं, ये इसको टेलीपोर्ट कर रहा है। और ये देखो गुस्सा है, स्टे बैक, अच्छा हमें सैंपल्स चाहिए इसलिए लेके जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ओ हमारे एक कैमरामैन का हाथ कट गया, यहाँ पर हम लोग देख रहे कि यार थक गए यार, उसने अपना हाथ जोड़ लिया, बोला ओके भाई चलो अभी हमें यहाँ पर जाना है जहाँ पर लार्ज टीवी मैन ने यहाँ पे कोई ऑपरेशन चला रहा है वो, लेट्स गो। तो यहाँ पर हमें बोला कि चलो उधर से चलते हैं हम लोग, लेट्स गो, ओके वी आर ऑन। और ये आ गया हमारा दोस्त किबिडी, बोला चल भाई तेरे तो दोनों हाथ ही नहीं है ठाकुर, बैठ जा। और ये हमारे भाइयों को बैठा लिया, क्या बात है ना, स्मूथली ऊपर आया ना। ओ भागो 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 भागो, वहाँ पे लार्ज कैमरामैन रुक गया हम लोग को बचाने के लिए और स्पाइडर कैमरामैन भी, और हम लोग आगे बढ़ गए, लेट्स गो। ओके ये गए यहाँ से, और ये वाला भी आ गया साथ में, और ये स्किबिडी हमारे साथ में है, लेट्स गो। ओके और यहाँ पर इसको भी मारा,
माय गॉड, इतनी भयंकर बीम मारी इसने, सब फूट गया। और वो देखो इसकी बीड़ी भी। और ये क्या है भाई? आ गया। कमला की टीम आ रही है यहाँ पे, अब उनकी एंट्री होने वाली है गाइस, बी रेडी। वो यहाँ पर हम लोग बेहोश हो गए थे, उठे तो सब लोग छुपे हुए हैं। ये आ गया एस्ट्रो का टीम, और यहाँ पर भी एस्ट्रो की टीम ने मुखौटा पहन रखा है, आर्मर पहन रखा है, मेरे को समझ में आ गया। और जिन्होंने आर्मर नहीं पहन रखा है वो नॉर्मल स्किबड़ी, और वो हमारी टीम में अब। और अभी मेन कैरेक्टर की एंट्री तो करो। ये ओ ओ भाई, बाय 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 कमला देवी, खतरनाक। अरे बाप रे, डिजाइन मतलब कमला का स्टाइल देखो, हेयर स्टाइल देखो, लुक्स देखो, और अब डरावना लुक देखना। ओ माय गॉड, ओ हाथ ही निकाल दी, ये बिल्कुल रहम नहीं करती है, बहुत खतरनाक है ये। तुम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर ओ माय गॉड, डरावनी हंसी काट के। ओ यहाँ पे हमें उसका हॉरिफाइंग फेस भी दिखा दिया था, और एस्ट्रो आके बोल रहा है स्टॉप टेम्परिंग इन आवर कम्युनिकेशन, स्क्वाड दैट वाज चेजिंग अ टाइटन इज मिसिंग, यू श्योर यू वांट टू पार्टिसिपेट, क्या तुम्हें पार्टिसिपेट करना है? ओके तो बोल रहा ठीक है, प्लान के साथ प्रोसीड करो। ओ माय गॉड, अभी फिर से हंसेगी। ओहो, हम लोग को छोड़ दिया इसने, और एक सेकेंड में टेलीपोर्ट होके चली गई, और क्रिटिकल डैमेज हमारे साथ हो चुका है, हमारी डेथ होने वाली है। ओके कैमरा ऑफलाइन, और ये फुटेज यहाँ पर दूसरे लोग देख रहे हैं, लैब में बैठे बैठे साइंटिस्ट। यहाँ पर ये सैंपल हम लोग लेके आए हैं, और टीवी मैन बोल रहा है इसको एनालाइज करो अच्छे से, तो यहाँ टीवी मैन से गुस्सा है लोग कि तुम इसकी वीडियो को उठा उठा के ला रहे हैं यहाँ पे। टीवी मैन सैंपल चाहता है कि हम लोग स्किबिडी पे करें, लेकिन कैमरा मैन ही नहीं चाहते, कैमरा मैन चाहते कि बस हम लोग मार दे। स्पीकर वूमन प्लंजर का लेके लड़ाई करने के लिए रेडी, लेट्स गो। और इसी के साथ एपिसोड 77 का पार्ट 1 यहाँ पर। ओके हम लोग पानी में से होते, अच्छा हम लोग छुप छुप के आए थे, यप पानी में छुप के आए थे, यहाँ से हम लोग बेस में ताका झाकी करने जा रहे हैं। भाई ये एरिया देखो इतना सुंदर है, और वहाँ पे बिग बैन है। ओए स्किबिडी भागा, तो हम लोग जा रहे हैं उसके पीछे। हम लोग किसकी पीओवी से देख रहे हैं ये? ओके ओ ह्यूमंस, हमें मारना मत, हम लोग एनिमी नहीं है। ओके मैंने देखा कि तुम लोग मदद कर रहे हो लोगों की, क्या तुम हमें सेफ पोजीशन पे ले जा सकते हो? चर्च पे ले जाओ, लेकिन चर्च पे आग लग चुकी है, और यहाँ एस्ट्रो टीम आ गई। ओके हम लोग लार्ज कैमरामैन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैमरामैन के पास ये वाला गन था जो वहाँ छूट गया था ना, याद है? बाकी लोग चले गए थे लेकिन लार्ज कैमरा यही रह गया था, तो यहाँ का सीन हम लोग देख रहे हैं अभी। ये बोला ओ चलो, तो देखा कि सारे ह्यूमंस मर चुके हैं, वो ह्यूमंस को ऐसे बोला चलो, लेकिन ओ माय गॉड ये बहुत ही गंदा सीन था। इसको बुरा लग रहा है कि भाई चर्च भी चल चुका है, इंसान मर चुके, क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये एस्ट्रो लोग
रुक ही नहीं रहे हैं। ओ माय गॉड, इनके पास इतना ओपी ओपी वेपन्स है ना, और इतना डेंजरस स्माइल। लेकिन यहाँ पर ये ह्यूमन वाला आ गया हमारी हेल्प करने के लिए। ये देखो, इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि वो ह्यूमंस की बीडी है या एस्ट्रोस की बीडी है। ओ, और इसने तो पहले हम लोग को मारा भी था, ये पीछे वाले ने। ये ह्यूमंस की बीडी भी पहले हमारे खिलाफ थे, इसलिए लार्ज कैमरामैन अभी गुस्सा है। लेकिन बोला कि हमारी तरफ क्यों देख रहा है, हमारी तरफ क्यों गन पॉइंट किया है इसने, हमने तो तुम्हारी जान बचाई है, हम लोग तुम्हें यहाँ पर नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, अभी हम लोग फ्रेंड बन जाते हैं ऑफिशियली। लेकिन लार्ज कैमरामैन रेडी नहीं है, हम लोग पूछ नहीं रहे। ओके, खतरनाक फाइट, लेट्स गो। ओ भाई, एस्ट्रो के पास इतना ओपी ओपी वेपन्स आया कहाँ से? अरे वो स्पाइडर भी आ गया, स्पाइडर भी रह गया था लार्ज कैमरामैन के साथ, तुम लोगों को याद है। ओ माइकल जैक्सन, ही माइकल जैक्सन भी अब हमारे साइड है। याद है तुम लोगों को माइकल जैक्सन ने कैसे मारा था हमारे कैमरामैन को? लेकिन अब ये लोग हमारे साइड हो गए क्योंकि एस्ट्रो इनको भारी पड़ रहा है। ओ भाई 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 भाई, इसको फिर से फिंगर दिखाने वाला था लेकिन नहीं। ये पूरा एपिसोड दिखाने के लिए था कि फ्रेंडशिप हो गई है। और अब हमारा आज का स्पेशल एपिसोड, एपिसोड 77 का पार्ट 2, उसी लास्ट सीन से शुरू हुआ है रिफी का। फ्रेंडशिप ऑफिशियली यहाँ पे कंफर्म हो गई इसकी बीडी और कैमरामैन के बीच में। लेट्स गो। ओके, ओ माय गॉड, सब के सब एस्ट्रो से फाइट कर रहे हैं। एस्ट्रो का आर्मर बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन हमारा गन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दिया धमाका, वो क्या बात है भाई। कमाल था ये तो। ओके, और यहाँ पर ये मॉनिटर गिर गया है, और नहीं फोटो फ्रेम। अच्छा, ये लोग पहले स्पेशल गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट्स डिफेंस सर्विस से थे, और ये 1986 का फोटो है जो अल्फा हिल्स में खींचा गया है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 लोग। और यहाँ पर ये देखो, एक क्वेश्चन मार्क बना के पूछा गया है कि ये बंदा कौन है, ये तो दफूक बूम है। ये देखो ध्यान से, ये दफूक बूम है, तो ये साइंटिस्ट लोग के साथ डिस्कशन कर रहा है 1986 में। इसका मतलब ये दफूक बूम की ही टीम है, उनकी टीम मेट्स जो अब स्किबिडी के साथ में मर्ज हो चुके हैं, इसलिए वो लोग ह्यूमन की बीड़ी बन रखे हैं। ठीक है, ठीक है। और एस्ट्रो अब ये, ओए भाई ये कौन सा नया की बीड़ी है, खतरनाक, एक ही बार में। ओ ये दिया, आ गया टाइटन कैमरामैन। भाई टाइटन कैमरामैन, नहीं नहीं टाइटन कैमरामैन नहीं, अरे टाइटन कैमरामैन की डेथ हो गई थी, मैं भी भूल गया क्या, मैं पागल हूं क्या, ये नया कैमरामैन है। ओ नया टाइटन आया है भाई, इतना एपिसोड्स देख लिया ना कि बीच बीच में भूल ही जाते हैं, डॉम स्टूडियो भी चलता रहता है बीच बीच में। ओके, नया टाइटन कैमरामैन जो कि रेड कलर का पहन रखा है कपड़ा। ओ नई टीम आई है पूरी की पूरी, इनके पास नए नए गन्स भी है। ओ ये देखो इसका नया ओपी पावर भाई, वाओ
रुको रुको, इनके बारे में दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है कैमरामैन 3.0 अराइव टू अवेंज देयर ब्रदर्स। अच्छा, हमारे कैमरामैन की तो डेथ हो चुकी है, तो ये कैमरामैन 3.0 आ रखे हैं। ओके गाइस, सही है भाई। ओके, इन सब का लुक्स, पावर, गन्स सब नए आए। डैम वो ये फीमेल है। ओके, ये स्पीकर, वो मतलब कैमरा वुमन, लेकिन लार्ज है भाई। भाई भाई, ओए अच्छा, ह्यूमन फेस भी और कैमरा भी। ओके वाओ, हम लोग लार्ज कैमरामैन की पीओवी से देख रहे हैं, तो हम लोग ज्यादा बड़े। वाह 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 वाह, आज का एपिसोड बहुत सही था। हमें न्यू कैमरामैन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया, कैमरामैन 3.0। यार टाइटन कैमरामैन की तो यहाँ पर डेथ हो गई थी, देखो एपिसोड 74 में। हाँ, लेकिन डॉम स्टूडियो में उनकी डेथ नहीं हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन भाई अब जो कैमरामैन आया है वो मचा देंगे धूप, बहुत मजा आएगा। और फिर कमला के साथ नेक्स्ट एपिसोड में फाइट होगी, वो भी देखने लायक होगा। तुम लोगों को तो लास्ट एपिसोड देखने में खूब मजा आएगा। और मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं आज माइनक्राफ्ट की, 4-5 बजे के आसपास। तुम लोग देखना अपने मेन चैनल आयुष मोर पे, रेडी रहना। तब तक तुम लोग ये लास्ट वीडियोस जाके एंजॉय कर सकते हैं, तब तक हमारी न्यू वीडियो आ जाएगी। तो चलो हम लोग मिलते हैं इन वीडियोस में, टिल देन बाय बाय।